One, my name is Yashodhra Singh Jamwal and welcome to my lecture series. So this is a current affair lecture series for JKAS 2022 and हम लोग कर रहे थे हमारा environment का lecture series, right? So तो आज हमारा next lecture आता है on the environment lecture series. आपका current affairs है पिछले एक साल का. So I think another this lecture and another lecture, दो lectures में हमारा जो है another two lectures में, two or three lectures में हमारा environment complete हो जाएगा और उसके बाद हम जो next subject है उसको take over करेंगे. ठीक है, so let's get started. Now the first thing which we're going to study today is about, just a second, जो हम पहला आज करेंगे that is world's first फाइव कंट्री बायोस्फीयर रिज़र्व. तो ये दुनिया का सबसे पहला ऐसा बायोस्फीयर रिज़र्व है जिसमें पांच कंट्रीज़ हैं. पांच कंट्रीज़ कहने का मतलब ये हो गया, एक्चुअली होता क्या है, समझ लो जैसे आपका ये एरिया है, राइट. बायोस्फीयर रिज़र्व क्या है, देखो बायोस्फीयर रिज़र्व कहने का मतलब ये है कि ये एक एरिया को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, एक एरिया को रिज़र्व कर देते हैं और वहाँ पे जो भी आपका बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रिजर्व किया जाता है. ठीक है, इसको हम डिटेल में करेंगे अभी, जस्ट व्हेन वी विल फिनिश अबाउट द वर्ल्ड्स फाइव कंट्री, उसके बाद हम थोड़ा सा बायोस्फीयर रिज़र्व के बारे में पढ़ेंगे. बट अभी के लिए आप इतना याद रखो कि एक एरिया को रिज़र्व कर दिया जाता है कि यहाँ पे जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है उसको रिज़र्व कर दिया, उसको प्रिजर्व करने के बारे में बात होती है. ठीक है, अब फाइव कंट्री कहने का मतलब ये है, समझ लो जैसे कि ये आपका एरिया है, ठीक है, ये आपका एरिया है और इन्होंने बोल दिया कि ये आपका बायोस्फीयर रिज़र्व है. नाउ देखो, फॉरेस्ट्स हो गए आपके, आपका पानी हो गया, उनका कोई बाउंड्री नहीं है, राइट. तो जैसे कि अगर ये एक स्टेट ये है, एक स्टेट यहाँ पे ये है, एक स्टेट यहाँ पे ये है, तो ऐसा नहीं होता कि एक स्टेट के लिए एक स्पेसिफिक बायोस्फीयर रिज़र्व होगा, एक के लिए अलग होगा, ऐसा नहीं होता. एक पूरे एरिया को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कि ये एक रिज़र्व है और उसमें नंबर ऑफ़ स्टेट्स या फिर नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ हो सकती हैं और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अभी का, दैट इज़ योर फर्स्ट वर्ल्ड का बायोस्फीयर रिज़र्व जिसमें पांच कंट्रीज़ हैं. पांचों कंट्रीज़ कहाँ की हैं, तो पांचों कंट्रीज़ यूरोप की हैं. ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं पांचों की पांचों. तो उस बायोस्फीयर रिज़र्व का नाम क्या है, द नेम ऑफ द बायोस्फीयर इज़ MDD, दैट इज़ मुरा द्रावे एंड दैन्यूदे. ये तीनों क्या हैं, ये तीनों बेसिकली आपके रिवर्स के नाम हैं. ठीक है, सो इन्हीं रिवर्स के नाम के ऊपर जो आपका बायोस्फीयर रिज़र्व है उसका नाम है MDD, दैट इज़ मुरा द्रावे एंड दैन्यूद. ठीक है, नाउ या तो आपको बायोस्फीयर रिज़र्व का नाम पूछ सकते हैं कि क्या है, या तो नंबर सेकंड पॉइंट दे कैन आस्क यू इज़ कि इसमें जो पांच कंट्रीज़ हैं वो कौन सी हैं. तो द फाइव कंट्रीज़ आर ऑस्ट्रिया, इसको लिख लीजिएगा, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, हंगरी एंड द फिफ्थ इज़ सर्बिया. ठीक है, सो ये आपकी जो पांचों कंट्रीज़ हैं, ये पांचों आपकी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या यूरोप में पड़ती हैं और इन्हीं पांचों कंट्रीज़ के द्वारा जो आपका बायोस्फीयर रिज़र्व शेयर किया जाता है दैट इज़ MDD और ये वर्ल्ड का फर्स्ट ऐसा बायोस्फीयर रिज़र्व है जहाँ पे पांच कंट्रीज़ मौजूद हैं. ठीक है, नाउ क्योंकि ये अमेज़ोन में है इसीलिए ये वाला जो बायोस्फीयर रिज़र्व है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अमेज़ोन ऑफ यूरोप. सो आपको ये भी पूछ सकते हैं, आपको स्टेटमेंट क्वेश्चंस आ सकता है कि इज़ इट ऑल्सो कॉल्ड एज द अमेज़ॉन ऑफ यूरोप, तो येस इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ अमेज़ॉन ऑफ यूरोप. ठीक है, नाउ अनदर क्वेश्चन विच दे कैन आस्क यू इज़ कि डिक्लेयर कौन करता है एक एरिया को एज अ बायोस्फीयर रिज़र्व. सो इट इज़ डिक्लेयर्ड बाय यूनेस्को. ये याद रखिएगा कि यूनेस्को जो है वो डिक्लेयर करती है एक एरिया को एज अ बायोस्फीयर रिज़र्व. ठीक है, नाउ यही जो बायोस्फीयर रिज़र्व है ना, यूनेस्को के द्वारा एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है दैट इज़ मैन एंड बायोस्फीयर रिज़र्व. ठीक है, जिसको हम मैब प्रोजेक्ट भी कहते हैं, मैन एंड बायोस्फीयर. सो इस उन मतलब ये आपके यूनेस्को के अंडर ही ये प्रोजेक्ट है
जिसमें कुछ ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व हैं जिनको स्पेशली आपके मैब प्रोजेक्ट के अंडर रखा जाता है। सो इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में ऐसी कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, तो बायोस्फीयर रिजर्व है आपके 18। और अगर बात किया जाए कि आपका इन बायोस्फीयर रिजर्व में से मैब प्रोजेक्ट के अंदर कौन से रिजर्व्स आते हैं, तो याद रखिएगा इन 18 में से सिर्फ 12 ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व हैं विच आर अंडर योर मैब प्रोजेक्ट। पॉइंट टू बी नोटेड, बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया आर 18, बट बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया विच आर अंडर मैब प्रोजेक्ट आर 12। क्लियर? नाउ they can ask you another question, that is which is the latest biosphere reserved to be added under MAB project, so that is Panna. Panna biosphere reserve, ये आपका latest biosphere reserve है जिसको add किया गया है as under MAB project. Clear? So where is Panna biosphere reserve? याद रखिएगा it is मध्य प्रदेश. Clear हो गया? Another question they can ask you is, which was the first biosphere reserve of India to be added in MAB project? तो पहला कौन सा था? तो पहला था आपका नीलगिरी। कौन सा था जी? नीलगिरी था। और ये कौन सी स्टेट में है? तो याद रखिएगा ये तमिलनाडु और केरला में पड़ता है। ठीक है? क्लियर हो गया? सो अगर आपको पूछा जाए पहला कौन सा है, दैट इज़ योर नीलगिरी। कौन कौन से में है? तमिलनाडु, केरला। एक्चुअली तमिलनाडु और केरला नहीं, बेसिकली कुछ हिस्सा आपका कर्नाटका का भी है। ठीक है? सो बेसिकली तीन स्टेट्स के द्वारा ये शेयर किया जाता है। सो नीलगिरी वॉज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व्ड टू बी एडेड अंडर द मैप प्रोजेक्ट। और लेटेस्ट कौन सा है? तो लेटेस्ट आपका पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है, जो कहाँ पे है? आपका मध्य प्रदेश में है। आपने सुना होगा पन्ना जो है इट इज़ ऑल्सो फेमस फॉर डायमंड माइंस। यहाँ में डायमंड जो है यहाँ का बहुत फेमस है, यहाँ पे डायमंड की माइंस भी हैं। सो दिस इज़ अनदर स्पेशलिटी अबाउट पन्ना, एंड पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व इज़ ऑल्सो देयर ऑफ कोर्स। और ये लेटेस्ट है, 2020 की खबर थी, ये 2021 की खबर थी जब आपका इसको ऐड किया गया था अंडर योर मैब प्रोजेक्ट। ठीक है जी? नाउ द क्वेश्चन इज़, वॉट इज़ अ बायोस्फीयर रिजर्व? सो बायोस्फीयर रिजर्व इज़ बेसिकली एक ऐसा एरिया जो आपका टेरिस्ट्रियल हो सकता है, या फिर आपका कोस्टल, या फिर मेरीन हो सकता है इकोसिस्टम। ठीक है? सो दीज आर बेसिकली एरियाज जो आपके टेरेस्ट्रियल, कोस्टल या मेरीन इकोसिस्टम को बिलोंग करते हैं। और इन एरियाज में क्योंकि इनको रिजर्व किया जाता है, तो यहाँ पे ये बेसिकली सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं ताकि कंजर्वेशन हो सके आपका, किसका? बायोडाइवर्सिटी का। ठीक है? सो बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए जो है वो एक एरिया को बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो डिक्लेयर किया जाता है। और याद रखिएगा जब बायोडाइवर्सिटी को रिजर्व प्रिजर्व किया जाता है, तो वहाँ पे लोकल कम्युनिटीज़ भी रहते हैं, ट्राइबल लोग भी रहते हैं, तो वहाँ पे प्रिजर्व के साथ साथ, कंजर्वेशन के साथ साथ वहाँ पे सस्टेनेबल यूज़ को भी प्रमोट किया जाता है। अभी आप समझ जाएंगे कैसे। नाउ जैसे कि ये आपका ये आपका आ गया बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है? ये आपका क्या आ गया? ये आपका आ गया जी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है? नाउ बायोस्फीयर रिजर्व में ना बेसिकली थ्री मेन जोन्स होती हैं। क्या होते हैं? थ्री मेन जोन्स होती हैं, दैट इज एक होता है आपका कोर एरिया, एक होता है आपका बफर जोन, और एक होता है आपका ट्रांजिशन जोन। ये आपके तीन जोन्स होते हैं आपके बायोस्फीयर रिजर्व में। कोर एरिया बेसिकली वो एरिया होता है जो सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड होता है। क्या होता है? इट इज़ मोस्ट प्रोटेक्टेड, एंड इट इज़ पॉइंट टू बी नोटेड, फ्री फ्रॉम ह्यूमन इंटरफेरेंस। याद रखिएगा बायोस्फीयर इन टोटैलिटी में ऐसा नहीं होता कि वहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होता, होता है, लेकिन उस बायोस्फीयर रिजर्व में, जैसे कि ये आपका बायोस्फीयर रिजर्व है ना, जैसे कि एक सेकेंड, ये आपका बायोस्फीयर रिजर्व है ना, इस बायोस्फीयर रिजर्व को बांटा जाता है तीन हिस्सों में।
जैसे कि ये आ गया आपका बीच वाला कोर एरिया, एग्जांपल है, ये बाहर वाला आ गया आपका बफर जोन, ठीक है, और ये वाला जो बाहर का एरिया है इट इज़ कॉल्ड एज द ट्रांजिशन जोन, ठीक है। तो जैसे ये पूरा का पूरा बायोस्फेयर रिजर्व है, इसको तीन हिस्सों में बांटा गया है, कोर एरिया, आपका बफर जोन एंड योर ट्रांजिशन जोन, ठीक है। तो ये वाला जो कोर एरिया है ना, ये सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड होता है और यहाँ पे किसी भी तरीके का ह्यूमन इंटरफेरेंस अलाउड नहीं होता है। जबकि जो आपका ये वाला एरिया है, दैट इज़ द बफर जोन, बफर जोन कहने का मतलब ये है, ये बेसिकली और कुछ नहीं होता है, ये आपका कोर एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए ही होता है। मतलब ये आपका कोर एरिया है, अब देखो अगर आप, तो ये वाला एरिया प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो एरिया होता है उसको बनाया जाता है एज अ बफर जोन। सो बेसिकली बफर जोन का जो एक सबसे बड़ा मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन होता है, दैट इज़ टू प्रोटेक्ट व्हाट, टू प्रोटेक्ट द कोर एरिया, ठीक है। अब आता है आपका इसके भी बाहर वाला एरिया, दैट इज़ योर ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन बेसिकली ये आपका आउटर मोस्ट जोन होता है। क्या होता है? आउटर मोस्ट जोन होता है आपके बायोस्फीयर रिजर्व का, और यहाँ पर भी ह्यूमन जो इंटरफेरेंस है रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, बट ऐसा नहीं होता है कि वहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं, ह्यूमन इंटरफेरेंस होता है, बट ऑब्वियसली वहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड चीज़ें होती हैं। मतलब ये नहीं कि अपना जितना मन किया टूरिज्म प्रमोट कर दिया, ऐसा नहीं होता। वहाँ पे जो ट्राइबल्स हैं, जो आपके लोकलाइट्स हैं, उनके हेल्प के साथ सस्टेनेबल यूज़ को प्रमोट किया जाता है, जो आपका रिजर्व्स हैं उनको यूज़ किया जाता है, लेकिन सस्टेनेबल तरीके से यूज़ किया जाता है, और वहाँ पे ह्यूमन जो है उनका प्रेजेंस होता है। जबकि कोर एरिया में ह्यूमन इंटरफेरेंस बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होता है, इट इज़ कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड। बफर जोन में आपका आपका मेन क्या फंक्शन आ गया, टू प्रोटेक्ट द कोर एरिया, और यहाँ पर भी ह्यूमन इंटरफेरेंस है, लेकिन बहुत रिस्ट्रिक्टेड ह्यूमन इंटरफेरेंस होता है। जो ह्यूमन यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये बेसिकली आपके रिसर्च या एजुकेशन के रिलेटेड होते हैं, यहाँ पे आपके यू नो लिमिटेड टूरिज़्म होता है, यहाँ पे ज़्यादा टूरिज़्म नहीं प्रमोट किया जाता। और आपका जो ट्रांजिशन जोन है, ये सबसे आउटर मोस्ट जोन है, और यहाँ पे ह्यूमन जो है वो प्रेजेंट होते हैं और उनका इंटरफेरेंस होता है। क्लियर हो गया? ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट योर बायोस्फीयर रिजर्व। नाउ क्योंकि हम बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बात कर रहे हैं, सो लेट्स टॉक अबाउट अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज राइमोना एंड दियांग पटकाई नेशनल पार्क, ठीक है। नाउ राइमोना वॉज बेसिकली अ कंजर्वेशन रिजर्व, जिसको अपग्रेड किया गया है इनटू व्हाट, इनटू अ नेशनल पार्क, ठीक है। सो ये एक नेशनल पार्क नहीं था, बट उसको अपग्रेड किया गया है इनटू अ नेशनल पार्क। जबकि दिहांग पटकाई जो है उसको भी अब एक नेशनल पार्क का स्टेटस दिया गया है, और ये दोनों के दोनों कहाँ पे हैं, ये दोनों के दोनों हैं आपके असम में। याद रखिएगा, राइमोना इज द सिक्स्थ नेशनल पार्क ऑफ असम एंड दिहांग पटकाई इज द सेवेंथ नेशनल पार्क ऑफ असम। सो बोथ ऑफ देम आर इन असम एंड दे आर द लेटेस्ट एडिशंस टू द नेशनल पार्क ऑफ असम। सो आपको पेपर में पूछ सकते हैं कि राइमोना कहाँ का नेशनल पार्क है या कौन से नंबर का नेशनल पार्क है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर आपको दियांग पटकाई के बारे में पूछ सकते हैं। पहले ये नेशनल पार्क बना था क्योंकि ये छठे नंबर का है, और लेटेस्ट जो नेशनल पार्क बना है वो आपका दियांग पटकाई है, कहाँ पे है जी, आपके असम में है। क्लियर हो गया? नाउ हम लोग नेशनल पार्क की बात कर रहे हैं, सो लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज विच आर रिलेटेड टू योर कंजर्वेशन। सबसे पहला आता है आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है जी। नाउ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज बेसिकली दैट एरिया वेयर एनिमल हैबिटेट, एनिमल्स का सराउंडिंग, मतलब जहाँ पे वो रहते हैं उनका हैबिटेट, और साथ ही में जो उनकी सराउंडिंग है, उन दोनों एरिया को क्या किया जाता है, इन दोनों एरियाज को प्रोटेक्ट किया जाता है। क्लियर? और
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस जो है उसको अलाउ किया नहीं जाता, ठीक है। सो इट इज़ बेसिकली प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ डिस्टर्बेंस। और किसको प्रोटेक्ट किया जाता है? एनिमल हैबिटेट को प्रोटेक्ट किया जाता है, और उस हैबिटेट में जो भी आगे पीछे की सराउंडिंग्स है उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। हाउ मेनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर देयर? देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 500 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया। क्लियर हो गया? सो यहाँ पे डिस्टर्बेंसेज अलाउड नहीं होते, हाउएवर थोड़ी बहुत ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं उनको अलाउ किया जाता है, लेकिन किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस किसको? हैबिटेट को या उनके सराउंडिंग्स को, उसका प्रोहिबिशन वहाँ पर होता है। दिस इज़ कॉल्ड एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो देर आर हाउ मेनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज? देर आर 500, अप्रॉक्सीमेटली 500 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया। क्लियर? नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इज योर नेशनल पार्क। नेशनल पार्क, सो वॉट इज़ अ नेशनल पार्क? नेशनल पार्क इज़ बेसिकली अ पार्क और एन एरिया विच इज़ फॉर कंजर्वेशन पर्पज, विच इज़ फॉर कंजर्वेशन पर्पज। ऑल आर फॉर कंजर्वेशन पर्पज, लेकिन नेशनल पार्क में क्या होता है, यहाँ पे नो ह्यूमन एक्टिविटी इज़ अलाउड। बहुत बारी क्या होता है, और ये सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक भी है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने मेंस आंसर राइटिंग में। क्या होता है ना, बहुत बारी जब एक एरिया को नेशनल पार्क बना दिया जाए या फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर ले आए जाए, तो वहाँ पे जो लोकल्स रह रहे होते हैं ना, मोस्टली आपके जो ट्राइबल्स रह रहे होते हैं ना, उनको वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। और ये एक सबसे बड़ा रीज़न है, आप इसको सोसाइटी में भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको सोशल इश्यूज़ में भी यूज़ कर सकते हैं अपने मेंस में, कि ये सबसे बड़े रीजन्स हैं जिसकी वजह से क्या होता है, आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो लोगों का किया जाता है, और जिनको डिस्प्लेस किया जाता है उनको कस्में वादे बहुत किए जाते हैं कि हम आपको रिहैबिलिटेशन देंगे, हम आपको एक अच्छा घर देंगे रहने को, आपको जॉब्स प्रोवाइड किया जाएगा, एक आपको अल्टरनेटिव यू नो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाएगा, बट ऑल दीज थिंग्स रिमेन जस्ट ऑन द पेपर एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स दे डू नॉट एक्चुअली हैपन इन रियलिटी, ठीक है। सो ये एक मतलब एक इशू है रिलेटेड टू योर, कि जब आपका ह्यूमन एक्टिविटी को अलाउ नहीं किया जाता है तो यहाँ पे जो लोकलाइट्स या जो ट्राइबल्स रह रहे हैं उनको यहाँ से बाहर निकाला जाता है, और इसकी वजह से क्या हो जाता है, इनका कल्चरल डेप्रीवेशन हो जाता है, मतलब इनका जो कल्चर है वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। किनका? ट्राइबल्स का, क्योंकि ट्राइबल्स के लिए जो फॉरेस्ट है और जो एनिमल्स हैं वो उनके लिए क्या है, उनके भगवान है, मतलब उनके लिए एक्चुअली उनका गॉड है, उनके लिए क्या है, उनके लिए ये उनका होम है, ठीक है। सो मोस्ट टाइम्स क्या होता है, जब भी कोई एरिया प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर आ जाता है तो इनको वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। सो दैट इज़ अ नेशनल पार्क। नेक्स्ट इज अ कम्युनिटी रिजर्व। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी इज अ कम्युनिटी रिजर्व। कम्युनिटी रिजर्व इज नथिंग बट अ बफर जोन। क्या होता है बफर जोन? देखो, हम जो ह्यूमन है ना, ह्यूमन तो इंटेलिजेंट है, वो समझ जाता है कि यहाँ पे बोर्ड लिखा है नो एंट्री का, यहाँ पे लिखा है नो ह्यूमन इंटरफेरेंस, ऐसे बोर्ड्स बने होते हैं। लेकिन जो एनिमल्स हैं ना, उनको समझ नहीं आते ये सारे क्या बोलते हैं बोर्ड्स और सिग्नल्स। अब जैसे कि ये आपका एक नेशनल पार्क है और यहाँ पे आपके जो है वो लोकलाइट्स रह रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जानवर है, अब जानवर को क्या पता कि भैया मुझे यहाँ पे रहना है, मुझे यहाँ नहीं जाना। सो बहुत बारी क्या होता है, एनिमल्स का, ये एनिमल है, एनिमल्स का ट्रैवल हो जाता है फ्रॉम दिस एरिया टू दिस एरिया। तो ये क्या करते हैं जो आपके कंजर्वेशन वाले हैं, ये बीच वाला जो एरिया होता है ना, बिल्कुल साथ साथ में, ये नहीं कि ये नेशनल पार्क और यहाँ पर ही लोकलाइट्स रह रहे हैं, तो यहाँ पे तो ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ का कितना कन्फ्लिक्ट हो सकता है। सो बेसिकली ये कुछ एरिया को बीच में छोड़ देते हैं, जो बेसिकली छोड़ा जाता है फॉर वॉट पर्पज, फॉर द पर्पज कि जब यहाँ से एनिमल्स ट्रैवल करें तो यहाँ पे ह्यूमन और एनिमल दोनों को किसी प्रकार की कोई भी तकलीफ ना हो। सो दिस इज़ बेसिकली अ बफर जोन बिटवीन द लोकल पीपल विच आर स्टेइंग देयर एंड द नेशनल पार्क और द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो वहाँ पर प्रेजेंट है। दिस बफर जोन इज़ कॉल्ड एज अ कम्युनिटी रिजर्व, ठीक है। सो इट इज़ बेसिकली अ बफर जोन, या फिर आप इसको प्यार से माइग्रेशन कॉरिडोर भी कह सकते हैं। माइग्रेशन
कॉरिडोर भी कह सकते हैं। आपने पिक्चरें देखी हैं कितनी बारी होता है कि घने जंगल होते हैं और रोड बीच में मौजूद होती है और रोड के ऊपर आपके एलिफेंट्स चल रहे होते हैं, वो क्या है, वो आपकी कम्युनिटी रिजर्व्स है, वो आपके बफर जोन्स है, वो आपके माइग्रेशन कॉरिडोर्स हैं, ठीक है। सो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को आप याद रखिएगा। और अगर हम बात करें तो इंडिया में कितने कम्युनिटी रिजर्व्स हैं, अप्रॉक्सीमेटली 127 कम्युनिटी रिजर्व्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं या तो डेफिनेशन के बारे में कि भैया बताओ ये किसकी डेफिनेशन है, या फिर आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भैया मैक्सिमम कम्युनिटी रिजर्व्स कहाँ पर हैं। सो मैक्सिमम कम्युनिटी रिजर्व्स आर इन मेघालय, ठीक है। सो मेघालय में मैक्सिमम जो कम्युनिटी रिजर्व्स है वो वहां पर प्रेजेंट है। क्लियर हो गया? ऑल राइट, ओके। नेक्स्ट इज योर टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्या है आपका? टाइगर रिजर्व। नाउ टाइगर रिजर्व क्या है? ये बेसिकली कोई ऐसा नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सो नेशनल पार्क और द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहाँ पर कंसिडर किया जाता है कि इट इज़ सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट फॉर प्रोटेक्टिंग वॉट टाइगर्स, कि भैया या ये एक सिग्निफिकेंट एरिया है, यहाँ पे सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन है टाइगर्स का, या टाइगर्स की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, तो भैया ये सिग्निफिकेंट है कि हमको यहाँ पे क्या करना है, टाइगर्स को प्रोटेक्ट करना है। इसीलिए नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एडिशनल टाइगर रिजर्व जो है वो उनको बनाया जाता है। सो जब एक एडिशनल डेजिग्नेशन ऐड हो जाती है नेशनल पार्क्स में और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में, उसको बोला जाता है एज अ टाइगर रिजर्व, कि यहाँ पे टाइगर्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। क्लियर हो गया? ओके सो ये थे आपके कुछ इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जो आपके वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के साथ एफिलिएटेड हैं। अब क्योंकि हम कंजर्वेशन की बात करें तो हम थोड़ा पानी को भी कंजर्व कर लेते हैं, आपके लेक्स वगैरह बीचेस को भी कंजर्व कर लेते हैं, बीचेस को कंजर्व करते हैं, बीच को, तो अब उसके बारे में पढ़ते हैं। अब एक होता है आपका ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। क्या होता है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन? आपको पेपर में पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। सो ब्लू फ्लैग बेसिकली जो सर्टिफिकेशन है, इट इज़ गिवन टू द बीचेस, ठीक है, ये बीचेस को दिया जाता है। और यहाँ पे किसको प्रमोट किया जाता है? यहाँ पे इको टूरिज़्म को प्रमोट किया जाता है, मतलब इको टूरिज़्म का मॉडल जो है उसको रखा जाता है, जिसमें ये टूरिस्ट टूरिज़्म को भी प्रोवाइड करते हैं और साथ ही साथ जो आपके बीचेस हैं ना उनको क्लीन रखना, हाइजीनिक रखना, जो आपका जहाँ पे लोग डुबकियाँ मारते हैं बीच में जाके, वहाँ का जो पानी है इट शुड बी हाइजीनिक, इट शुड बी सेफ, इट शुड बी हेल्दी। सो इन सबको जब टोटैलिटी में किया जाए उसको बोला जाता है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, या फिर वो बीचेस जिनको ये सर्टिफिकेशन मिलता है उनको बोला जाता है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट, मतलब कि वो जो बीच है वहाँ पे टूरिज़्म तो है ही है, लेकिन टूरिज़्म की वजह से वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है आपके इन्वायरमेंट के साथ, दैट इज़ कि वो जो बीच है वो क्लीन है, हाइजीनिक है, सेफ है और हेल्दी इन्वायरमेंट को प्रमोट करती है, ठीक है। ये सर्टिफिकेशन किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये जो सर्टिफिकेशन है इट इज अकॉर्डेड बाय द डेनमार्क बेस्ड फाउंडेशन। सो दिस इज बेसिकली, दिस सर्टिफिकेशन इज अकॉर्डेड बाय द डेनमार्क बेस्ड फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन, ठीक है। बेसिकली 33 क्राइटेरियाज हैं। अब आपको 33 तो याद रहेंगे नहीं, ना आपको याद रखने हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप इतना याद रखो कि भैया कितने क्राइटेरियाज हैं। तो 33 क्राइटेरियाज हैं जिनके बेसिस के ऊपर जो है एक बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाता है। और ये जो 33 क्राइटेरिया हैं उनको चार मेन हेड्स में बांटा गया है, आपको इतना जो है इसके अंदर जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो इंडिया में कौन कौन सी हैं ब्लू फ्लैग बीचेस, तो आपका एक आपका आ गया नहीं कोलाबन बाद में करते हैं, जैसे कि एक आ गया आपका घोगला, ठीक है, एक आ गया आपका शिवराजपुर, ठीक है, एक आ गया आपका कप्पड़, ठीक है, कसरगोड़,
ठीक है, सो देयर नंबर ऑफ ब्लू फ्लैग बीचेस जो यहाँ पे हमारे इंडिया में जिनको ये सर्टिफिकेशन दिया गया है. नाउ व्हाई वाज दिस इन न्यूज़, तो इट वाज इन न्यूज़ बिकॉज देयर आर टू मोर बीचेस, इंडियन बीचेस रादर आई शुड से, इंडियन बीचेस जिनको ऐड किया गया है या जिनको दिया गया है एज इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट. ठीक है, सो उनको दिया गया है एज अ न्यू ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट. इंपॉर्टेंटली व्हाट आर द नेम ऑफ द टू बीचेस, तो द नेम ऑफ द टू बीचेस आर, याद रखिएगा, वन इज कोवल्लम दैट इज इन तमिलनाडु, अनदर इज ईडन विच इज वेयर, विच इज इन पुडुचेरी. ठीक है, सो ईडन विच इज़ इन पुडुचेरी एंड कोवल्लम विच इज़ इन तमिलनाडु, उनको हाल ही में दिया गया है एज अ ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट. एंड वॉट इज़ अ ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, ये बेसिकली वो सर्टिफिकेट है जो बीचेस को दिया जाता है कि वहाँ पे सिर्फ टूरिज्म नहीं है लेकिन हम प्रमोट कर रहे हैं ग्रीन क्लीन बीच को. बेदिंग वाटर इज़ हेल्दी, इज़ हाइजीनिक, वहाँ पे सैनिटेशन है. इसी के साथ वहाँ पे किसी भी तरीके का जो यू नो ऐसा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया गया है जिसकी वजह से प्रमोट होगा आपका सेफ और हेल्दी इन्वायरमेंट विच इज़ सस्टेनेबल, जो डेवलपमेंट की तरफ जो है वो प्रमोट करेगा. ठीक है, इसी के साथ अगर हम बात करें तो एक और जो है आपका यू नो एक तरीके का जो लॉन्च किया गया था आपका, दैट इज़ इको लेबल बीन्स. ठीक है, किसके द्वारा लॉन्च हुआ था, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के द्वारा जो है ये इको लेबल बीन्स जो है शुरू किया गया था. ठीक है, और इसमें क्या किया था, ये बेसिकली एक वो प्रोजेक्ट था जिसमें प्रोटेक्ट और कंजर्व करने की बात किया गया था. किसको कंजर्व करना है, तो आपके कोस्टल एंड मेरीन इकोसिस्टम, उसको प्रोटेक्ट और कंजर्व करने की बात की गई थी. और ये किसके द्वारा था, ये हमारे जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा जो है ये प्रमोट जो है ये लॉन्च किया गया था ये वाला प्रोजेक्ट. सो अगर इंडिया की बात होगी तो ये वाला है, और अगर हम इंटरनेशनल बात करें सो इट इज़ बाय अ डेनमार्क बेस्ड फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ योर ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन. सो इट इज़ व्हाट, जो आपका एजुकेशन है एनवायरमेंटल एजुकेशन, तो एक डेनमार्क का बेस्ड है आपका एक फाउंडेशन जो है जो आपके बीचेस को क्या देता है, आपको एक ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन देता है. और इंडिया की दो अभी लेटेस्ट बीचेस हैं कोवल्लम एंड ईडन जिनको इंटरनेशनली ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला गया है. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.